हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम बिना सोचे समझे फॉलो करते चले आते हैं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। और ये बात सिर्फ हमारे त्योहारों के या फिर हमारे कल्चर के रीति रिवाजों की नहीं है, इवन हम अपनी डेली लाइफ में भी कई सारी ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं जिनका लॉजिक या जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे पहली पीढ़ियाँ उनको करती आ रही हैं। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक महाराज का आश्रम था। वो साधु महात्मा अपने शिष्यों के साथ जंगल में उस आश्रम में रहा करते थे। एक दिन उनके आश्रम के बाहर एक बिल्ली का छोटा बच्चा आ गया और वो भूख से रो रहा था। महात्मा जी ने जब ये देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। वो उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर आश्रम में ले आए और उसे दूध और खाने पीने की चीजें दी। अब वो बिल्ली का बच्चा उनके उसी आश्रम में पलने लगा, लेकिन उसका महात्मा जी से इतना लगाव हो गया कि अब वो 2 मिनट के लिए भी महात्मा जी को बिल्कुल नहीं छोड़ता था। बल्कि उस बिल्ली के कारण तो महात्मा जी अब अपनी साधना भी नहीं कर पाते थे। जैसे ही महात्मा जी शाम को साधना करने बैठते, वो बिल्ली का बच्चा आकर कभी उनके कंधे पर, कभी उनके सर पर, वहीं पर घूमता रहता। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जब मेरी शाम की साधना का वक्त हो उसके पहले तुम इस बिल्ली के बच्चे को सामने वाले पेड़ से बांध देना ताकि ये मेरे पास ना आ पाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। गुरुदेव की साधना शुरू होने से पहले वो उस बिल्ली के बच्चे को पकड़कर सामने वाले पेड़ पे बांध देते और साधना के बाद उसे छोड़ देते। ये क्रम लगातार चलता रहा और फिर एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई और उनका एक दूसरा शिष्य उनकी पदवी पर बैठ गया। और क्योंकि ये रिवाज बन चुका था कि उस बिल्ली के बच्चे को बांधकर ही महात्मा जी तपस्या करते थे, तो भले ही अब उस बिल्ली का इन नए महात्मा जी के साथ कोई संबंध या कोई प्यार था या नहीं, लेकिन इनकी साधना के लिए बिल्ली के बच्चे को शाम को पेड़ से बांध दिया जाता। कई वर्ष बीत गए, अब वो बिल्ली भी मर गई। तो उसके बाद जब अगले दिन साधना का समय हुआ तो भाई पुरानी रीति रिवाज के अनुसार बिल्ली का बच्चा तो पेड़ पे बांधना था, क्योंकि जब तक वो नहीं बंधेगा तब तक महाराज की साधना शुरू कैसे होगी। ये सोचकर सभी शिष्य आसपास के गांव में बिल्ली को ढूंढने पहुंच गए। जब तक उन्हें वहां बिल्ली मिली नहीं और उन्होंने लाकर सामने वाले पेड़ से बांधी नहीं, इतने महात्मा साधना नहीं कर पाए। और ये क्रम लगातार चलता रहा। पता नहीं कितने महात्मा जी का देहांत हुआ और उस पदवी पर कितने नए महात्मा आए और ना जाने कितनी बिल्लियां उस पेड़ पर बन चुकी हैं। लेकिन ये परंपरा लगातार चलती रही क्योंकि उन शिष्यों ने कभी ये समझा ही नहीं कि सबसे पहले महाराज ने जो बिल्ली का बच्चा लेकर आए थे उन्होंने उसे पेड़ से सिर्फ इसलिए बंधवाया था ताकि वो चैन से साधना कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जब तक कोई बिल्ली का बच्चा पेड़ से बंधेगा नहीं तब तक महाराज साधना नहीं कर पाएंगे। बस इसी तरह से हमने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे ही बिल्ली के बच्चे पाल रखे हैं जिनके बिना हम कई सारे काम नहीं करते। आपके जीवन में कौन सा बिल्ली का बच्चा है, जरा सोचिए। कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।